तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UP SSC ANM भर्ती के बारे में। तो नियुक्ति पत्र को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिली है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं 7189 उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, और जो प्रोविजनल वाले हैं वो भी वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं 7189 जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और जो वितरण समारोह अभी तक देखने को नहीं मिल पा रहा है, हालांकि पिछली बार आपने देखा होगा जो डेट मतलब 28 जनवरी को फाइनल किया गया था, मगर उस पर भी जो वितरण समारोह नहीं हो पाया था। उसके बाद 5 फरवरी को जो वितरण समारोह की डेट निर्धारित की गई थी, वो भी मतलब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई थी। हालांकि जितनी भी सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं फाइनल हो गई थी 5 फरवरी को तो कंफर्म, मगर उसके बाद नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी फ्री नहीं हो पाए, उनके पास समय की कारण कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग वितरण समारोह नहीं हो पाया। मगर अब बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिली है ज्वाइनिंग को लेकर कि जितने भी 7189 फ्रेश कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 17 फरवरी तक होगी ज्वाइनिंग। तो आपको बता दूँ पूरी तरीका से ये कहीं ना कहीं जहाँ तक जो जानकारी मिली है आपको बता दूँ जो ज्वाइनिंग वगैरह लगभग 15, 16, 17 और इतनी डेट तक हो सकती है। हालांकि 18 तारीख को बहुत कम चांस है, क्योंकि 18 तारीख को जो महाशिवरात्रि है तो शायद वहाँ पर जो कहीं ना कहीं पूजा में कहीं ना कहीं बिजी होंगे मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ पर बहुत कम चांस लग रहे हैं। मगर आपको बता दूँ 15, 16, 17 तक कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद लग रही है। हालांकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखित नहीं है, मगर जहाँ तक मौखिक पता चला है कि लगभग यानी कि इन 3 डेट तक शायद सारी चीज़ें कन्फर्म हो सकती हैं। मगर 17 तारीख को ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि 17 तारीख को ये वितरण समारोह हो जाए, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हालांकि आपको बता दूँ लगभग 15 से 20 तक कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, किसी न किसी डेट को आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल सकती है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और कहीं ना कहीं जो भर्ती आपकी अंतिम चरण में ही चल रही है, और मुझे लग रहा है कि लगभग 15 और 20 के बीच में किसी दिन, मगर ज़्यादा मतलब प्रॉबिलिटी लग रही है 15, 16, 17 तक, यानी कि 3 डेट को लग रही है। हालांकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे 15 को नहीं होगी, तो आपको बता दूं 15 को भी हो सकती है। अगर जितने भी मतलब अभी जो मीटिंग वगैरह चल रही थी जो मुख्यमंत्री जी की, तो वो सारी चीज़ें 15 तारीख को खत्म हो जाएंगी, तो 15 के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी वितरण समारोह में वो मुख्यमंत्री जी तो करेंगे नहीं, मतलब वो तो स्टाफ और दूसरा वो करता है, तो उन्हें सिर्फ जाना है 1-2 घंटे के लिए और वो सारी ज्वाइनिंग वगैरह आपको दे दी जाएगी। हालांकि सभी को नहीं बुलाया जाएगा, जो टॉप कैंडिडेट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, 30, 40, 50 जितने भी अभ्यर्थी उन्हें ज्वाइनिंग दिया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं यह वर्चुअली माध्यम से और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि सभी को ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, 7189 के लिए बहुत ही जो वितरण समारोह होने वाला है और 15-20 के बीच में कभी भी हो सकता है। अब प्रोविजनल की बात करते हैं तो आपको बता दूँ अभी आपकी जो DV में समय लग सकता है, हालांकि आयोग कराने वाला है। ठीक है, मगर आपको अभी बता दूं लगभग मार्च में आपकी सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। फरवरी में हालांकि कोई उम्मीद नहीं है प्रोविजनल वालों के लिए, मगर आपको बता दूं मार्च तक यानी कि 10 तारीख तक ये सारी चीज़ें आपको भी जो ज्वाइनिंग वगैरह शायद मिल सकती है, DV वगैरह करा ली जाए। ठीक है, तो बस यही बताना था। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अपडेट हमें मिलेगी विभाग की तरफ से तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और आप भी देख रहे हो कोई भी इस चैनल के माध्यम से जितनी भी कोशिश रहती है फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है, और लगातार हम इससे यानी कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी ARM पर हम वीडियो बनाते, वैसे बनाते भी नहीं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो धन्यवाद।